नमस्कार, मैं हूँ विक्रम और आप देख रहे हैं झुंझुनू का लोकप्रिय यूट्यूब चैनल रंगीलो झुंझुनू। अभी मैं मौजूद हूँ झुंझुनू जयपुर हाईवे पर, ये जगह है ढूंढलोद के पास, और आप शायद मेरे पीछे का नज़ारा देख पा रहे होंगे किस तरीके से घनघोर घटाएं छाई हुई हैं। मेरे सहयोगी से कहूँगी आसपास का नज़ारा भी दिखाएं, खेतों में फसल लहला रही है। ये ज़रूर अपन कह सकते हैं कि बारिश होने में देरी हुई और इसकी वजह से काफ़ी फसल है वो जल चुकी है, लेकिन इस समय जैसा बारिश का माहौल है और इस जगह से जब मैं गुजर रहा था तो रुका नहीं गया और मैंने सोचा कि ये चीज़ें आपके साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि लगातार 3 दिन से आज झुंझुनू में बारिश हो रही है। कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस बारिश से कई लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। जैसा जब आप रास्ते से गुजरोगे तो आपको फसल देख के सामने नज़र आएगा कि जली हुई फसल है, लेकिन अब भी जो बारिश हो रही है उससे उन लोगों को फ़ायदा होने वाला है। ये जो रोड के साइड में आप सारी हरियाली आपको दिखाई दे रही होगी, ऐसा अमूमन सावन के महीने में होता है। जब अपन किसी भी रास्ते से गुजरते हैं तो एकदम से चारों तरफ हरियाली नज़र आती है, लेकिन इस समय सावन का महीना गुजर गया, उसके बाद में जो रिम झिम जड़ लगी है, अपने देसी भाषा में अपने कहते हैं जड़ लग गई, तो वो जो जड़ लगी है ये शायद किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला सके। जैसा मैंने पहले कहा कि कई लोगों को नुकसान भी हुआ है, लेकिन ज़्यादा संख्या उन लोगों की है जिनको इस बारिश से फ़ायदा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि चलो देर से ही सही, लेकिन बारिश हुई तो कुछ लोगों को तो फ़ायदा होगा। और किसान जो हमेशा दबाया जाता है, उसकी ना सरकार सुनती ना भगवान उसकी कभी सुनता, क्योंकि हमेशा एक कहावत है आपने सुनी हो कि किसान से राम भी रूठ गया और राज भी रूठ गया, तो कम से कम ऐसी स्थिति तो नहीं है। राम है वो किसान पे खुश है। धन्यवाद।